नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है, जहां मंत्री रेखा आर्या और आईएएस विवाद मामले में जांच रिपोर्ट तैयार। जांच अधिकारी वरिष्ठ आईएएस मनीषा पवार ने मुख्य सचिव को सौंपी रिपोर्ट। जांच में मंत्री रेखा आर्या के लगाए गए आरोप नहीं पाए गए सही। जांच रिपोर्ट में महिला कल्याण निदेशक वी षणमुगम को क्लीन चिट मिली। जांच रिपोर्ट को लेकर मनीषा पवार ने कुछ भी बताने से किया इनकार। मंत्री रेखा आर्या ने निदेशक पर टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। जांच रिपोर्ट को लेकर मंत्री ने कहा, रिपोर्ट मिलने पर ही कुछ बोलेंगी। यह मामला खूब सुर्खियों में छाया रहा था। अब मंत्री रेखा आर्या निदेशक पर टेंडर में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए थे, उसमें अधिकारी पर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं, रिपोर्ट ये कहती है। जानकारी सूत्रों के हवाले से, मंत्री रेखा आर्या और आईएएस विवाद मामले में जांच रिपोर्ट तैयार हुई और जांच अधिकारी वरिष्ठ आईएएस मनीषा पवार ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अंदर जांच मंत्री रेखा आर्या के लगाए आरोपों में दम नहीं, वो आरोप सही नहीं पाए गए। जांच रिपोर्ट में महिला कल्याण निदेशक वी षणमुगम को क्लीन चिट मिली है। वी षणमुगम को क्लीन चिट मिली। जांच रिपोर्ट को लेकर मनीषा पवार ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिन्होंने जांच रिपोर्ट फिलहाल सौंप दी है। मंत्री रेखा आर्या निदेशक पर टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन वो आरोप सच्चे नहीं है, सही नहीं है। जांच रिपोर्ट को लेकर मंत्री ने कहा कि जब रिपोर्ट हाथ में आएगी तब कोई जवाब देंगी। मंत्री रेखा आर्या और आईएएस विवाद मामले में आईएएस को मिली क्लीन चिट। जांच अधिकारी वरिष्ठ आईएएस मनीषा पवार ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट के भीतर वी षणमुगम पाक साफ है। मंत्री रेखा आर्या और आईएएस विवाद मामले में जांच रिपोर्ट तैयार होकर मुख्य सचिव तक पहुंची और हमारी जानकारी है, सूत्र बताते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, वो आरोप झूठे हैं। जांच अधिकारी वरिष्ठ आईएएस मनीषा पवार ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी है। वी षणमुगम पाक साफ है, उनको क्लीन चिट मिली है। फहीम तन्हा जुड़ गए रेजिडेंट एडिटर। फहीम, मंत्री और अधिकारी के पूरे विवाद में जो अधिकारी है वो पाक साफ है, जांच रिपोर्ट ये कहती है। पूर्व निदेशक है और आपको ध्यान होगा पूछा तीन महीना पहले लगभग पता, जब मंत्री रेखा आर्य ने आईएएस वी षणमुगम की लापता होने तक की तहरीर एसएसपी डीआईजी कार्यालय में स्थिति और तलाशने के लिए अनुरोध किया था कि वी षणमुगम डायरेक्टर लापता है और वो जब भी बात कि वो क्वारंटाइन है और ये विवाद इतना बढ़ा कि मंत्री रेखा आर्य ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अधिकारी निदेशक गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया और इस आरोप को लेकर जब मामला बढ़ा तो जांच की सौंपी थी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कहा था और मुख्य सचिव ने आईएएस वरिष्ठ अधिकारी मनीषा पवार को जांच अधिकारी बनाया था। अब तो खबर यह है कि जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई है और इसमें क्लीन चिट है, यानी जो गड़बड़ी की जो बात थी टेंडर में आरोप था निदेशक वी षणमुगम के ऊपर, वो उसमें नहीं पाया गया, उस तरह के आरोप को सत्य नहीं पाया गया है। ये हालांकि इस मामले में जांच अधिकारी मनीषा पवार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गोपनीय रिपोर्ट है और उनका काम था रिपोर्ट तैयार करके सौंप देना, इससे अलावा कुछ उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन अधिकारी सूत्रों का कहना है कि इसमें क्लीन चिट है और वो जो आरोप जिस तरीके के मंत्री ने लगाए थे वो आरोप उस तरीके के नहीं पाए गए हैं। अब ये रिपोर्ट जब विस्तृत रूप में सामने आएगी, यानी जब सार्वजनिक की जाएगी, उसके बाद इसमें की चीजें और निकल करके पूजा सामने आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस जब ये रिपोर्ट अब खुलकर से सामने आएगी तो इसमें मंत्री रेखा आर्य का क्या रुख होगा, ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि अभी मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया कर्मियों से इस बात को कहा है कि जब रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, उनके सामने आ जाएगी, रिपोर्ट वो पढ़ लेंगी, उसके बाद कोई टिप्पणी देंगी। अभी उनको रिपोर्ट नहीं मिली है तो लिहाजा अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिस तरीके का रुख है, जिस तरीके का इस मामले को लेकर के रहा है रेखा आर्य मंत्री का, तो ये बात तय है पूजा की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद, रिपोर्ट की चीजें सामने हो खुलने के बाद मंत्री रेखा आर्य का जो रुख होगा, जो नजरिया होगा, वो उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी,
फहीम बहुत शुक्रिया। देखिए निगाहें तो सबकी है, जाहिर सी बात है क्योंकि मामला इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा था और मंत्री रेखा आर्या के साथ में अधिकारियों के विवाद भी बहुत ज्यादा रहे हैं। आपको याद होगा अधिकारी कहते हैं कि उनके साथ में काम नहीं किया जा सकता। खैर, जांच रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो हमारे जो सूत्र बताते हैं उसमें आईएएस अधिकारी पाक साफ है। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे गड़बड़ी के, वो आरोप निराधार है। जांच में मंत्री रेखा आर्या के लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए हैं, जानकारी सूत्रों के हवाले से। जांच रिपोर्ट में महिला कल्याण निदेशक वी षणमुगम को क्लीन चिट मिली है, जानकारी सूत्रों से। जांच रिपोर्ट को लेकर मनीषा पवार ने कुछ भी बताने से किया है इनकार। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना के 473 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 404 मरीज ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 9 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 64,538 हो चुकी है और एक्टिव केस है 3,736। उत्तराखंड में अब तक 59,227 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को हराकर अब साधारण जिंदगी जी रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1,056 मरीजों की मौत हो चुकी है। और फहीम लगातार बने हैं। फहीम, अगर एवरेज में देखा जाए तो अभी क्या स्थिति है उत्तराखंड की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आंकड़ों में बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा था। बिल्कुल, देखिए पूजा, ये आंकड़े दोबारा बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े करके, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अगर हम पिछले महीने के आंकड़ों से चले जाए तो 1,500 से 2,000 तक भी मामला गया था पॉजिटिव केसेस का, लेकिन हम पिछले दिनों से पिछले हफ्ते का लगातार देखते हैं तो 250-300 तक, यानी बहुत नीचे ये आंकड़ा आ गया था। और लेकिन अब फिर इसके बाद 2-3 दिन से देख रहे हैं कि ये लगातार संख्या बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। अगर 10-10, 20-20, 30-30 करके केसेस प्रतिदिन भी बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, तो ये चिंताजनक होना चाहिए सभी के लिए। कल और आज में भी फर्क है, परसों के और आज के आंकड़ों में फर्क है, तो लगातार ये इसमें इजाफा ही हो रहा है। और ये बात अलग है, कुछ इस बात को लेकर के लोग कह रहे हैं कि भाई लोग ठीक हो जा रहे हैं, इससे तो ये अच्छी बात है ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन बीमार ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा। ये आंकड़े अगर बढ़ेंगे तो ये थोड़ा परेशानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है और लापरवाही रहेगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस बात को लेकर के बहुत समझने की जरूरत है जी पूजा। तो क्या फहीम, ये त्योहारी सीजन में सरकार कुछ ठोस कदम उठाने के विषय पर सोच रही है या कुछ काम करने जा रही है? कुछ नियम सख्त तो नहीं होने जा रहे उत्तराखंड में? देखिए, दो पहलू हैं इस बात के। तो ये कि जो अनलॉक और त्योहारी सीजन ध्यान में रखते हुए है, जो सावधानी की बात की गई है वो नियम तय है, मास्क है, सैनिटाइजर है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग है और भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो, अलग अलग आयोजनों को लेकर के सीमा तय है कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ये तो एक बात। अब रही बात, अगर चूंकि बढ़ेगा और उन नियमों का पालन नहीं होगा तो फिर क्या कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है, यानी कुछ संस्थाओं को बंदी का या फिर सार्वजनिक आयोजन को लेकर के मना ही कर दी जाए? तो अभी इस बात को लेकर के कोई तैयारी नहीं है, कोई सुखबाट नहीं है या कोई प्लानिंग अभी इस तरीके की शासन की तरफ से नहीं सुनने को मिल रही है। तो यानी कुल मिलाकर के अभी अनलॉक है और छूट दी गई है कुछ निर्धारित सीमाओं तक, उनका उनको पूरा करते हुए, उनके पालन नियमों का पालन पूरा करते हुए ही सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल तो यही है और सावधानी को लेकर के ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर के और जिला अधिकारी तक इस बात को लगातार कह रहे हैं कि सावधानी। ठीक है फहीम, बहुत ही शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खबर देहरादून से, सितारगंज में खनन रुकने से करीब 112 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पिछले दो सालों में सरकार को 112 करोड़ का राजस्व मिलना था जो कि निर्धारित था, लेकिन सिडकुल द्वारा एनओसी ना दिए जाने से खनन का कार्य लटका हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र ने सिडकुल को एनओसी जारी करने के निर्देश दिए। क्षेत्र के मुद्दों पर सीएम की बैठक में विधायक सौरभ बहुगुणा हुए शामिल। सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने सीएम को क्षेत्र के मामलों से अवगत कराया। सितारगंज में बंद पड़ी चीनी मिल को चलाने के लिए भी लीज टेंडर होगा। सितारगंज में बांग्लादेश मूल के लोगों के मामले में भी बैठक हुई है जिस पर चर्चा हुई है, जल्द ही उनके प्रमाण पत्रों से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हट जाएगा। ऐसे भी कोरोना काल चल रहा है इस वक्त, तो जहां जहां से भी रेवेन्यू आने की उम्मीद हो सकती है, सरकार को और अधिकारियों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वहां से रेवेन्यू आए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया और स्ट्रिक्ट निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द इसको क्लियर किया जाए। मिल को लेकर के क्या कैबिनेट का फैसला था कि दूसरी चलाना है, ये कब तक हो जाएगा? देखिए, विकास
देखिए सितारगंज एक एग्रीकल्चर बेल्ट है, किसानों से डोमिनेटेड एरिया है, और सिर्फ सितारगंज की नहीं, वो जो चीनी मिल थी वो बीते काफी समय से अपने राजनीतिक जीवन में विवादित बोल के साथ साथ अपनी दबंगई के कारण विवादों में घिरे रहने वाले लक्सर क्षेत्र के खानपुर विधानसभा से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में उभर कर आए हैं। दरअसल लक्सर निवासी एक युवक को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा फोन पर गाली गलौज करते हुए अपनी दबंगई का आभास कराने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक बातचीत के दौरान युवक से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए बातचीत कर रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तेजी से। कुंवर प्रणव सिंह कहते हैं अपने इस ऑडियो को लेकर कि उनका उद्देश्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बुरा भला कहने का कतई नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि उनके कथन से किसी कार्यकर्ता की भावना आहत हुई है तो वो उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। जो घटनाक्रम हाल फिलहाल में हुआ है उस विषय में मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमने कोई अपशब्द नहीं कहा, बल्कि जो विरोधी बसपा और कांग्रेस के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं उनके विरुद्ध मैंने कड़ाई से कहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता हूं और अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सदैव दुलार के साथ मैं रखता आया हूं, क्योंकि हमारे बच्चों के समान है, उनका हमारा सम्मान और स्नेह का रिश्ता है। यदि मेरे कथन से किसी सम्मानित कार्यकर्ता को ठेस पहुंची है तो मैं उसके प्रति खेद प्रकट करता हूं। बीजेपी एमएलए प्रणव चैंपियन के मामले में आम आदमी पार्टी मुखर हो गई। आम आदमी पार्टी ने विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर कार्रवाई की मांग की है। आपके प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। प्रणव चैंपियन के कथित वायरल ऑडियो को लेकर ही ये मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, इस समय उत्तराखंड का पूरा युवा इस बात को कह रहा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है और 23% से ज़्यादा बेरोजगारी के साथ उत्तराखंड ने नंबर वन का स्थान ग्रहण किया है बेरोजगारी में। तो हमारे उत्तराखंड के लिए तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती, और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और विडम्बनापूर्ण स्थिति ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तराखंड में -1 बेरोजगारी है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भद्दा मजाक, इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री जी का नहीं हो सकता। और इस चुनावी साल में देखिए 5 साल की सरकार होती है, 4 साल उनके बीत चुके हैं, इस चुनावी साल में अचानक मुख्यमंत्री को याद आता है कि हम उद्योगों में 70% उत्तराखंड के युवाओं को स्थान देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले 4 साल से आप कहाँ सोए हुए थे? पिछले 4 साल से आप ये कहते रहे कि हमारे बीच में -1 बेरोजगारी है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं को ये बिल्कुल समझ में आ गया है, जो बेरोजगार युवा जो सड़कों पर इस समय आंदोलनरत हैं उनको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि इस समय बीजेपी की जो सरकार है वो उनके हित में कभी काम नहीं करेगी। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, चुनावी साल में जो फेंका गया है कि हम 70% उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का युवा इस बात को समझता है और इस बात का जवाब 2022 के आने वाले चुनाव में उत्तराखंड का युवा बीजेपी सरकार को जरूर देंगे। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक की। विभागीय योजनाओं को लेकर यह समीक्षा बैठक रही। योजनाओं और बजट को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन पशुपालन निदेशालय में मंत्री रेखा आर्य की बैठक। इस तारीख को जो है हमारे विभाग का प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी वो बैठक लेने वाले हैं, तो उसी की पूर्वत एक तैयारी जिसमें हमारे विभाग द्वारा जो हमारा पशुपालन है उसके द्वारा आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं पशुओं के संदर्भ में, चाहे उनका इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी टैगिंग का विषय हो, चाहे उनका AI करने के संदर्भ में हो। तो आखिरकार हमारी जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें क्या प्रगति अब तक में आ पाई है और हम कितना अचीव कर पाए हैं उसी को देखा गया है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन मंत्री रहते हुए हमारे पहाड़ी नस्ल की गाय को बद्री का नाम दिया था, तो हम जिस प्रकार से उन पर फील्ड इंस्पेक्शन करते हुए उसके दूध में वृद्धि करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, तो उस दिशा में भी कई अचीवमेंट हम लोगों ने पाए हैं। आज हमारे पास में ऐसी गायें हैं, बद्री गायें हैं, जो कि 5 लीटर तक का दूध जो है वो दे रही हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी वो प्रस्तुतिकरण किया जाएगा 23 तारीख को। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान
तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर महादेव तीर्थ मक्कू मठ में विराजमान हो गई है। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ आगमन पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की और डोली की अगुवाई की। अब शनिवार को भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में विधिवत होगी। मैं राम प्रसाद मैठानी मठापति मंदिर तुंगनाथ वृद्धि स्थल मक्कू मठ आज 4 तारीख को भगवान जो तुंगनाथ जी जो है भनकुल नामक स्थान पे थे रात्रि विश्राम के लिए और आज मक्कू मठ पहुँचेंगे। यहाँ पर मेला भी लगेगा और समस्त क्षेत्रवासियों को भगवान जी दर्शन देंगे और उसके उपरांत जो है अपने स्थल में प्रवेश करेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में नई परंपरा का आरंभ करते हुए राजभवन नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस से पहले बेबी रानी मौर्य ने बेताल घाट के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले बेताल घाट क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और रिवर्स माइग्रेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राहुल अरोड़ा को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। लंबे समय से समाज सेवा कर रहे राहुल अरोड़ा ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं के निवारण के लिए निःशुल्क 3 मंजिला विकास भवन की स्थापना की गई है। उत्तराखंड के धनौटी के ब्लॉक मुख्यालय थत्त्यूड़ के मुख्य बाजार के पास पुल निर्माण का कार्य शुरू होने से आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जौनपुर क्षेत्र के दर्जनों गांवों से मसूरी देहरादून चंबा को जाने वाली दूध और सब्जी की गाड़ियों को 18 से 20 किलोमीटर की लंबी दूरी के बाईपास साटागाड़ मार्ग से होकर जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि थत्त्यूड़ पुल 18 सितंबर को ओवरलोड डंपर के आने से क्षतिग्रस्त होकर पुल का एक हिस्सा टूट गया था और आवागमन ठप कर हो गया था। इस संबंध में अधिशासी अभियंता रजनीश कुमार ने बताया कि पुल को आवागमन के लिए 1 महीने के अंदर मरम्मत के बाद खोल दिया जाएगा और आवागमन चालू कर दिया जाएगा। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता रतनमणि भट्ट का कहना है कि मैंने लोक निर्माण विभाग को वैकल्पिक मार्ग से जोड़ने की मांग की है। समस्या को देखते हुए यहाँ के कुछ जागरूक लोगों ने, उनमें मैं भी था, हमने इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग का रास्ता PWD को सुझाया था। जुलाई 2020 को इस संबंध में मैंने माननीय प्रीतम सिंह पवार जी जो MLA हैं उनसे एक चिट्ठी लाई कि पुल की जर्जर हाली था, इसमें जो है बजरी के बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, एक दिन ये स्लैब टूटेगा क्योंकि वो सीमेंट का स्लैब है, 35 साल हो गए या 32 साल हो गए। और उसके लिए प्रीतम सिंह जी ने यहाँ पे किलोमीटर जो थत्तूड़ मराड़ है 1 या 2 से उन्होंने और साटागाड़ जहाँ पे पुल की साइड है वहाँ के लिए उन्होंने वैकल्पिक मार्ग के लिए लिखा कि तुरंत इसकी सर्वे करके शासन को दो। ये जुलाई पहले सप्ताह की उन्होंने कागज दे रखा है, PWD को रिसीव करवा रखा है PWD से। उसके बाद यहाँ व्यापार मंडल वालों ने भी जो है लिख के दे रखा है कि इसको जो है थत्तूड़ मराड़ से वैकल्पिक मार्ग बना दिया जाए साटागाड़ के लिए, या नीचे से मात्र 2.5-3 किलोमीटर करीब, 3 किलोमीटर भी नहीं, 2.5-3 किलोमीटर वो मार्ग बनेगा। मैंने उनको खुद कहा कि आप इसको बनवा दो, कटवा दो चाहे JCB से किसी भी ठेकेदार से, बाद में उसका भुगतान सुगतान हो जाएगा जब स्वीकृति आ जाएगी, खेतों की जिम्मेदारी मैं देता हूँ, परंतु PWD के कानों में कहीं जुई नहीं रेत। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हरिद्वार की जनता को धूल मिट्टी से निजात दिलाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने धूल मिट्टी के लिए जिम्मेदार विभाग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं PCB को। इतना ही नहीं, नोटिस के बावजूद अगर सड़कों पर धूल मिट्टी की शिकायत मिली तो संबंधित विभाग के खिलाफ FIR दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। रोड कंस्ट्रक्शन का जो कार्य जो चल रहा है, चाहे NH के माध्यम से है और कई सारा विभिन्न अन्य जो काम भी निर्माण कार्य चलता रह रहा है, इसमें जो मिट्टी काफ़ी मात्रा में जो धूल उड़ने का जो है काफ़ी शिकायतें थी और इसमें जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से हमने संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। ये लगातार निरंतर जो है पानी का छिड़काव जो है करना चाहिए क्योंकि ये जो रोड डस्ट है वो काफ़ी खतरनाक पोल्यूटेंट है, तो इसमें जो है हम निरंतर फॉलोअप करते रहेंगे। इनकेस अगर इसका सही ढंग से अगर वो फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी। अभी तो नोटिस जारी किए हैं, इसके बाद जो है अगर पालन नहीं करेंगे तो FIR आदि भी कार्रवाई होगी। रोड